हरि ओम, राम राम राम, सर्वेभ्यः स्वागतम। यह कक्षा है सुरवाणी विलासा, इसकी प्रारंभिक संस्कृत भाषा की कक्षा है और इसमें हम प्राथमिक स्तर का संस्कृत प्रारंभ से सीखते हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है उनके लिए, और प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तो वन सेकेंड, तो आज हम लोग हमने पिछले सप्ताह तक पूरे चार गणों का हमने परिचय पा लिया, जो प्रथम गण भ्वादि गण है, चतुर्थ गण दिवादि गण है, षष्ठ गण तुदादि है और दशम गण चुरादि गण है। ठीक है, तो इन सबके परिचय के बाद अब हम लोग एक नए विषय की चर्चा में जा रहे हैं जो इन्हीं से जुड़ा हुआ है, पर इनसे थोड़ा सा अलग इसकी हमें पहचान बनाने की आवश्यकता है। तो संस्कृत को बहुत ही सशक्त भाषा बोली जाती है, बोला जाता है, हम तो सुनते हैं कि संस्कृत बहुत ही एकदम बहुत डीप भाषा है और इसमें कई सारी सुविधाएं हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं है। ऐसे कई सारे विषय, कई सारे प्रक्रियाएं, कई सारे उसके विशेष वैशिष्ट्य हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं पाए जाते। ऐसा एक है वो उपसर्ग कॉन्सेप्ट है। मैं सभी भाषाओं को तो नहीं जानती, लेकिन जितना सुना है उपसर्ग कॉन्सेप्ट अधिक नहीं दिखता है, एटलीस्ट इंग्लिश हिंदी इनमें तो नहीं दिखता है, तेलुगु में भी उपसर्ग स्वतंत्र कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस एक संस्कृत को बहुत ही विशिष्ट भाषा बनाने वाला ऐसा एक अंश आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही हम खुश होकर और एकदम स्वस्थ होकर इसको सुनेंगे, जानेंगे इसके बारे में। हम अवश्य अपनी भाषा के बारे में गर्व करने का हमको आज अवसर मिलेगा। ये केवल भाषा शिक्षण नहीं है, ये आत्मीयता, आत्मीय भावना है, ये एक अपनत्व है, एक हमारे खुद से जुड़ने का एक प्रयास है और उसी में एक छोटे छोटे अंशों से इन बहुत ही गहरे, छोटे हैं पर बहुत गहरे हैं, इन गहरे गहरे अंशों से हम अपने आप को अपने आप तक पहुंचते हुए बहुत ही आनंद अनुभूत भी कर लेते हैं। तो ऐसा मुझे बहुत आनंदित करने वाला और अत्यंत मुझे रोमांचित करने वाला ये एक टॉपिक है और इससे बहुत हमको ज्ञान वर्धन भी बहुत होता है इससे। तो ध्यान से सुनिएगा, इन शब्दों को देखिए, वादः, प्रवादः, विवादः, संवादः, प्रतिवादः, अपवादः, अभिवादः। इसमें से एटलीस्ट इन सात शब्दों में से एटलीस्ट आप हिंदी में पांच तो सुने ही होंगे। अभिवादन, अभिवाद सुना है, ठीक है, संवाद सुना है, विवाद सुना है, प्रवाद, जनप्रवाद ये सुना होगा, वाद, वाद तो कम ही सुनते, प्रतिवाद ये सुना होगा लेकिन हिंदी में अधिक उपयोग नहीं करते, संवाद बहुत उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको देखिए, वचनम, निर्वचनम, प्रवचनम, प्रतिवचनम, अनुवचनम। ठीक है, तो वचन तो हम बहुत ही सामान्य है, बहुत सुनते हैं, निर्वचन भी सुनते हैं, डेफिनेशन, प्रवचन भी सुनते हैं प्रभाषण वगैरह में, हाँ, प्रतिवचन यानी समाधान देना, आंसर, रिप्लाई, अनुवचनम यानी बोलने के बाद बोलना, वही बात फिर से बोलना, फिर योगः, संयोगः, वियोगः, प्रयोगः, अभियोगः, ये भी हम हिंदी में सुनते ही रहते हैं। तो इन सब में हमको एक चीज कॉमन दिख रही है, ऐसे ही कुछ और शब्दों का मैंने एकत्रित करने का प्रयास किया है, उत्पत्ति, आपत्ति, प्रपत्ति,
ऐसे हम देखते जाएंगे विचार प्रचार सॉरी ये सहचार आए है वो संचार है, उपचार आचार अपचार अभिचार ये सब, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से हम एक चीज देख रहे हैं कि उसमें कुछ अंश रिपीट हो रहा है और कुछ अंश आगे से जुड़ रहा है, ठीक है। दोनों ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक पहला शब्द जो है वादः वचनम योगः विचारः उत्पत्तिः, ये सब ये उत्पत्ति नहीं, पहले के चार शब्द जो है उन्हीं में यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा अंश हम जोड़कर कुछ बना रहे हैं। आप उपसर्ग जानते होंगे पर उपसर्ग का आइडिया कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छी तरह समझ लें, इसलिए मैं इतना बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया प्र वि सम प्रति अप अभी, इस तरह के कुछ अंश हम वाद में जोड़ रहे हैं। वाद वाद शब्द में हम ये सब अंश जोड़ रहे हैं और जोड़कर हम इनसे कुछ नए शब्द बना रहे हैं। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। वचनम एक वचन शब्द को यूज करके निर्वचनम निर, प्रवचनम प्र, प्रतिवचनम प्रति, अनुवचनम अनु इत्यादि। एक योग शब्द को उपयोग करके सम वि प्र अभि को जोड़कर संयोग वियोग प्रयोग अभियोग न जाने क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को देखने पर हमको ये पता चलता है कि हम धातु के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी धातु के कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए हम आसानी से बोल सकते हैं। अब जैसे हस धातु को ले लिया, ठीक है, तो अप हस, परि हस, उप हस, अव हस, प्र हस, विहस, इस तरह के हम कई सारे शब्द हम लोग नए नए बना सकते हैं। अपहास, परिहास करना, उपहास करना, अवहास करना, अवहास तो हिंदी में नहीं है, प्रहास, ठीक है, विहास, 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 प्रहस हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो इन शब्दों को हमने ऐसे इस धातु के, तो इनमें बना वद, वद धातु है, प्रवद, विवद, संवद, प्रतिवद, अपवद, इस प्रकार हम बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वह धातु को लेते हैं तो उसमें भी प्रवाह सुना है ना आप सबने, प्रवाह, संवाह, निर्वाह करना, विवाह तो सबको बहुत पसंद है ना, विवाह करना, हाँ, किसी किसी को बचपन से ही शौक होता है बस मजाक के लिए बोल रही हूँ, बड़े बड़े कुतूहल होते हैं बच्चों को भी, है ना, सो विवाह करना, आवाह, उद्वाह, उद्वाह भी विवाह ही होता है, हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता, ठीक है, परिवहन सुना होगा, उपवाह, उपवहन करना, तो ये सब संस्कृत में पॉसिबल शब्द हैं, ठीक है। तो इनको जानकर, इनको देखकर बड़ी अचंभा होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि एक ही धातु से कुछ अंश को जोड़कर हमने कितने सारे नए शब्द बना लिए। बताइए दुनिया में कि किस भाषा में, यदि आप कुछ और भाषाओं को जानते होंगे तो बताइए कि ऐसी संपत्ति, ऐसा 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 सौकर्य, ऐसी सुविधा कितनी भाषाओं में हमको उपलब्ध होगी, एक बार बस सोच के देखिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं उसी कॉन्सेप्ट को, उसी अंश को उपसर्ग हम कहते हैं, तो उसी का निर्वचन हम जानने का प्रयास करेंगे। ये शब्दांशाः धातोः पूर्वम् उपयुज्यन्ते, ठीक है, तो धातु के आगे, मतलब आगे के अगले भाग में, पिछले भाग में नहीं, अगले भाग में, ठीक है, उसका आगे के भाग में धातु से पूर्व एक अंश जो जोड़ा जाता है उसमें कुछ उस नयापन लाने के लिए, वो भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो ऐसे जो शब्दों का, शब्द अंशों का, ठीक है, वो शब्द नहीं है अपने आप में, प्र एक शब्द नहीं है, वो एक शब्द का अंश है, ठीक है, तो वो अंश को उपसर्ग बोलते हैं, और उसको उपसर्ग तभी बोलते हैं जब वो धातु से जुड़ा होता है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि अच्छा, इनका उपसर्ग के अलावा भी कुछ रोल होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल होता है, ठीक है, ये बेसिकली अव्यय होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी। तब तक आप इतना समझ लीजिए कि धातु से जुड़कर कुछ अंश उपसर्ग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे उपसर्ग जो धातु से जोड़ने योग्य है वो प्रायः 22 पाए जाते हैं या 20 पाए जाते हैं। That depends upon the division that we make. हम किस प्रकार का डिविजन बनाते हैं, किस प्रकार का हम उसको क्या कहते हैं, हम विभाग करना चाहते हैं, उस पर आधारित रहता है, ठीक है। तो वो 22 हुए, प्र, परा, अपा, सम,
अनु आवा निस निर दुस दुर वी आ नी अधि अपि अति सु उत उद अभि प्रति परि उपा। इसमें निस निर दुस दुर को दो दो गिनेंगे तो वो अलग अलग उपसर्ग गिनेंगे तो 22 होंगे। इनमें से निस निर दुस दुर को एक एक ही गिन के फिर दूसरा वाला उसी का रूपांतरण मानेंगे तो 20 होंगे। बस इतना सा अंतर है। वैसे पाणिनि महर्षि ने इनको 22 बताया इसलिए हम भी 22 पे चलते हैं। ठीक है, उन्होंने 22 गिनाए हैं तो हम भी 22 ही गिनेंगे, 20 नहीं। आप ये बोल सकते हैं देखो उत उद में भी तो डिफरेंस आया है तो आप इसको क्यों नहीं अलग गिनते हैं, तो इसी के लिए बोल रही हूँ। ये सब विवाद में हम नहीं पढ़ते। हमारे इधर एक पारंपरिक आचरण का एक प्रमाण है। प्रमाण मतलब स्टैंडर्ड। देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेविंग इन आवर आवर सनातन धर्म दैट जो बड़े बोलते हैं हम उसको सुनते हैं, कभी कभी आंखें बंद कर, कभी कभी थोड़ा सा समझ कर, कभी कभी पूरा समझ कर। ठीक है, पूरा समझ कर तो बहुत कम होता है, तो कभी आधा समझ कर, कभी कुछ नहीं समझ कर भी हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है पाणिनि महर्षि ने बोला, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है तो उनकी बात हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम फिर तर्क वितर्क नहीं करते इस पर ऐसा। तो इन सबको आप याद कर लीजिए। सबसे पहला होमवर्क लिख लीजिए कि इन सब उपसर्गों का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रा परा अपा इसी ऑर्डर में। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप इसको याद कर लीजिए। इसका एक प्रयोजन होगा वो भी बताऊंगी मैं बाद में आपको। ठीक है, फिर इसको आप याद नहीं कर पाएंगे तो उसी ऑर्डर में नहीं होगा तो भी आपको एक अन्य ऑर्डर में इसका श्लोक रूप में एक इसको मैं सुनाऊंगी आपको। ठीक है, प्रविपराप समन्वव निर्निसौ दुरति दुष्प्रतिसूदधि पर्यपि तदनुचाङ्गभिनि उपविंशतिर्द्विसहितेत्युपसर्गसमाह्वयः। ठीक है, एक और बार पढ़ती हूँ। बहुत ही सुंदर वृत्त में सारे उपसर्गों को एकत्रित करके रख दिया गया है। प्रविपराप समन्वव निर्निसौ दुरति दुष्प्रतिसूदधि पर्यपि तदनुचाङ्गभिनि उपविंशतिर्द्विसहितेत्युपसर्गसमाह्वयः। ठीक है, उपविंशति द्विसहिता। ठीक है, उप द्वाविंशति। ठीक है, उप इसलिए बोला है क्योंकि मैंने भाई बोला ना डिविजन्स गिनेंगे नहीं गिनेंगे सो उसके आधार पर। तो यह है प्र वि परा अपा सम अनु अवा अवा समन वव निर निस दुर दुर अति दुस प्रति सु उत अधि परि अपि। ठीक है, अनु अवा नी, यहाँ तीन है। ठीक है, तो ऐसा हम उसका पूरा संधि खोल के देखेंगे तो यही सारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको तो मैंने प्रदर्शित नहीं किया है पर आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर है। हमने आज उपसर्गों के बारे में पहली बार जानकर हमें बहुत आनंद हो रहा है। अच्छा, तो जैसे हम पहले स्लाइड में देखे हैं कि वादः प्रयोगः संयोगः वियोगः तो उनमें यही सारे सब लगे हुए हैं। एक और बार देखिए, देखिए प्र वि सम अप अभि इस प्रकार। ठीक है, तो यही सारे उपसर्ग यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आगे अब इनके कार्य, अच्छा लगकर क्या करते हैं जी उपसर्ग। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, अब से इनका परिचय हो गया, अब इनका एक बार कार्य देखते हैं कि आके करते क्या है। ये लोग ना आके एक काम नहीं करते हैं, तीन तीन काम करते हैं। ये लोग बड़े विशिष्ट हैं, मैं बताई ना उपसर्ग लोग जो है वो बड़े विशिष्ट लोग हैं। बड़े ये 22 लोग हैं ना, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और तीन तीन काम करते हैं, एक काम नहीं करते। तो उसी को एक श्लोक में बताया गया है तो उसी को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले श्लोक देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोकाज है ये सब। इन श्लोकों को याद करेंगे, ये आपका सेकेंड होमवर्क है। ठीक है, फर्स्ट होमवर्क सारे उपसर्गों को आप अलग अलग लिस्ट के इससे याद करेंगे। सेकेंड होमवर्क ये सारे श्लोक याद करेंगे, प्रविपरा और धात्वर्थम, ये वाला जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। धात्वर्थम बाधते कश्चित् कश्चित् तमनुवर्तते तमेव विशिनाष्ट्यन्यः उपसर्गगतिस्त्रिधा। ठीक है, तो
ये धात्वर्थ को कोई बाधित करता है, कोई उसको अनुवर्तित करता है और उसी को कोई विशेष बनाता है। उपसर्ग की गति जो है वो त्रिधा है। ठीक है, इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है। एक और श्लोक है जो बस ये सामान्य सा है, ये तो बहुत ही तीनों कार्यों को बहुत ही सुव्यक्त रूप से बताने वाला ये श्लोक है। और यह जो अभी बताने वाली हूँ वो तो ये बोलता है किसी उपसर्ग आकर धात्वर्थ को बलपूर्वक अन्यत्र ले जाता है, बस इतना बताता है कि उसमें कुछ तो चेंज होता है। ठीक है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ प्रहार आहार संहार विहार परिहार जैसे हार 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 तो सुनाई दे रहा है और प्र सम वी परिक आदि जोड़कर उसमें पूरा अर्थ बदल गया। प्रहार बोले तो किसी को मारना, आहार बोले तो खाना खाना, ठीक है, संहार बोले तो मार डालना, ठीक है, एकदम उठा के पटक देना, प्राणांत करना, ठीक है, विहार करना यानी हाथ में हाथ लेकर आराम से कहीं घूम कराना, परिहार करना यानी कि कोई गलती हो गई तो उसके ऊपर कोई परिष्कार करना। ठीक है, उसका मतलब ना जैसे किसी को हानि पहुंची हमारे द्वारा तो ठीक है इसके परिहार के लिए मैं इतना पैसा दे देता हूँ या व्हाटएवर, ठीक है, वो सारी चीजें। देखिए एक अर्थ और एक अर्थ में कोई भी बंधन आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, कोई भी बंधन आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि धात्वर्थम बाधते कश्चित। ठीक है, तो ये प्रहार आहार संहार विहार आदि में कौन सी धातु है हमें कामिनी भगिनी बताएंगी, इन सब में कौन सी धातु है बहन? ठीक है, ज्योति हरि ओम दीदी। हरि ओम, थैंक गॉड। हाँ दीदी, किसमें दीदी? प्रहार आहार संहार आदि में कौन सी धातु है? इसमें हृदय धातु है। ठीक है, ठीक है, हृदय धातु का अर्थ क्या है? ले जाना या फिर उसको हरण करना, जिसे उठा के ले जाना। ठीक है, तो वो धातु का अर्थ है। देखिए आप इन सब का अर्थ बताइए, प्रहार के उससे कोई संबंध है? ले जाना प्रहार करना, इसका कोई संबंध है आपको? नहीं, कोई संबंध नहीं है दीदी, कोई नहीं है। संहार में विहार कोई संबंध नहीं। आ ले जाना अर्थ या हरण करना, अर्थ तो इनमें कहीं पर भी नहीं है, है ना? तो इससे हमको पता चलता है, धन्यवाद, इसी से हमको पता चलता है कि उपसर्ग ने उसका अर्थ बलपूर्वक कहीं पर उठा के ले गया। ठीक है, उसका ये भी श्लोक आप सब याद करेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको इन कक्षाओं के प्रारंभ में वादा किया था कि मैं आपको पुस्तकों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है उपसर्गार्थ चंद्रिका, इसी टॉपिक पर। ठीक है, चारुदेव शास्त्री जी हमारे समय के महान संस्कृत पंडित रहे, हमसे एक जनरेशन दो जनरेशन पहले के व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं, मैं उनका आपको पेज दिखाती हूँ archive.org में, वो आप उस वहां से ये लिंक वहीं ले जाता है। ठीक है, या फिर मैं अपने ग्रुप में इस लिंक को मैं दे दूंगी, तो आप वहां पर से उन सारे किताबों को आप डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा। ये किताब है उपसर्गार्थ चंद्रिका, अ थिसॉरस ऑफ संस्कृत प्रपोजिशनल वर्ब्स, बहुत ही सुंदर किताब है ये। ठीक है, archive.org में आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट बहुत ही समग्र वर्क है, एक एक उपसर्ग को उन्होंने लिया है। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आप उपसर्गों को याद कर लीजिए, तो इन्होंने प्र से सम तक, देखिए ये प्र से सम तक है और इसके बाद फिर आगे के हैं, देखिए। तो आपको या वो वॉल्यूम किस वॉल्यूम में कौन सा मिलेगा ये जानने के लिए आपको ये ऑर्डर की आवश्यकता बहुत पड़ती है। सम से वी तक यहाँ पर है, फिर उसके बाद वी से आगे यहाँ पर है, इस प्रकार पांच वॉल्यूम्स है पूरे ये। ठीक है, वी से अधी तक यहाँ पर है, तो आप इसमें देखेंगे तो कई सारे उदाहरण सहित इन्होंने एक एक उपसर्ग को लेकर उपसर्ग को जितने पॉसिबल धातुज हैं वो सब जोड़कर उन्होंने पूरा बताया इस पुस्तक के बारे में। आपको तब समझ में आएगा इसकी इसकी प्रशस्तता या इसका प्रामुख्य जो है, आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस पाठ को पूरी तरह आप सुनेंगे। अस्तु,
हाँ, तो यहाँ पर उपसर्गार्थ चंद्रिका के बाद हम चलते हैं उपसर्ग लक्षणों पर, ठीक है। ऐसे विशिष्ट उपसर्गों के लक्षण किस तरह के हैं देखते। पहला लक्षण तो हम देख चुके हैं, कोई नूतन अर्थ, ठीक है, कोई नया अर्थ या विरुद्ध अर्थ इनमें से बनता है। देखे जैसे योग और वियोग, ठीक है, योग हुआ मिलना और वियोग होगा बिछड़ना, ठीक है, बिछड़ना का अर्थ हो गया। ना कोपि भेद, कभी कभी कोई भेद ही नहीं होता। फिर विशति प्रविशति, ठीक है, विशति प्रविशति, रक्षति संरक्षति, दोनों का एक ही मीनिंग है। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से रक्षा की, बस इतना, सम्यक रक्षति संरक्षति। विशेषार्थ, कभी कभी थोड़ा सा विशेष अर्थ वो ऐसा करता है। योग प्रयोग, ठीक है, योग यानी जैसे मिलना, प्रयोग यानी उसका उसके साथ कुछ करना, ठीक है, योग के साथ कुछ प्रयोग करना प्रयोग होता है, तो विशेष अर्थ इस प्रकार का। कितने चाहे उतने उदाहरण हम ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। फिर इनके लक्षण बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आगे इनके डाउट्स आपको बहुत आने वाले हैं, क्योंकि प्रारंभिक विद्यार्थी जब सही से संस्कृत नहीं सीख कर आगे आके वो काम करने लगते हैं उसमें, तो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम्स होते हैं द्वितीय विभक्ति में, सेकंड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वचन लिंग और उसका विशेषण विशेष्य भाव सर्वनाम आदि प्रयोग में, और थर्ड लेवल प्रॉब्लम्स आती है। मैंने कई सालों से स्टडी करके मैं बता रही हूँ कि मुझसे जिस तरह के डाउट्स पूछने को लोग आते हैं उनमें मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ पर उनमें कमियां है, कहाँ कहाँ पर उनमें प्रॉब्लम्स हो रही है समझ में। मैंने उन सबको इन कक्षाओं में पूरा आंसर करने का प्रयास किया है, इसलिए आप इन कक्षाओं को लाइटली मत लीजिएगा। पूरा मैंने एक जो ये कहते हैं ना टफनेस, इसकी डिफिकल्टी लेवल रहती है ना, उसके आधार पर मैंने सारा ये संयोजित करके बनाया, और इसको मैंने भंडार कर का मैंने लिया है, उनका पूरा मेथड यथातथ नहीं लिया है, फिर उसमें थोड़ी हेर बदली करके मैंने इसको करने का प्रयास किया। इसलिए इन सब पॉइंट्स को जो भी बता रही हूँ, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको बाहर कम ही मिलता है, या मिलता भी तो इतना समग्र नहीं मिलता है। यहाँ पर आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स भी रख सकते हैं, तो इस अवसर को आप खोइएगा नहीं, ओके? तो ये अर्थ निश्चितो न संदर्भ द्रष्टव्यः, यहाँ पर जब उपसर्ग प्लस धातु का एक योग बनता है, ठीक है, हमने उपसर्ग को लाया और फिर धातु को उसको जोड़ा, जोड़ने के बाद हाँ एक और पॉइंट है, ठीक, वो भी बताऊंगी। हाँ, एक मिनट लिख के रख लेती हूँ वरना भूल जाऊंगी, जोड़ा नहीं है, बाद में जोड़ती हूँ, ओके। तो अर्थ निश्चित नहीं होता है, इसका संदर्भ को देखना पड़ता है। जैसे अधिकतर निश्चित ही रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इतना व्याप्त, जिस प्रकार एक ऋ धातु है, नी धातु है, गम धातु है, गम धातु तो प्लेन है, ठीक है, चल धातु भी प्लेन धातु, लेकिन ऋ धातु और नी धातु ये सब है, वह धातु है, ये सब इतने सारे मीनिंग्स को बेयर करते हैं कि इनका ना एक एक झटके में इसका मीनिंग समझाना थोड़ा कठिन है। इतने इतने संदर्भों में व्यापकता है इनके अर्थ की, तो सोचिए फिर उपसर्ग जोड़ने पर इनमें और कितनी व्यापकता आ जाती होगी, ठीक है। जो प्रवदति है, प्रवदति के तो इतने सारे मीनिंग्स हैं कि हम सारे संदर्भ देख कर ही उसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो संदर्भ के बाहर संस्कृत का अस्तित्व बहुत ही कम होता है, इसलिए संदर्भ से बाहर आप श्लोकों को उट्टंकित करके लोग प्रश्न पूछने लगते हैं ना, उसका आप कभी भी चिंतन नहीं कीजिए। उस पर हमेशा आप उनको यही एडवाइस दीजिएगा, प्रसंग जाके देखिए, प्रसंग में उसी का उसका अर्थ बनता है, बाहर लाएंगे तो वह अर्थ नहीं बनता है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ। तो ये सबसे मुख्य विषय है संस्कृत भाषा के लक्षणों को समझने का, ये उसके अंदर के जो अंश है, जैसे उपसर्ग अंश हुआ, धातु अंश हुआ, प्रातिपदिक अंश हुआ, ठीक है, तो कोई भी विषय हुआ उसका, कोई भी विषयांश हुआ, तो उस अंश के जो भी लक्षण है वही तो भाषा के लक्षण बनते हैं, है कि नहीं, तो उसी प्रकार ये। फिर इससे जो निष्पन्न रूप होते हैं, इनके जो रूप निष्पन्न होते हैं, जैसे उपसर्ग से संयोग वियोग हुआ, फिर अपहसति उपहसति हुआ, तो ये दो तरह के बनते हैं। अभी हमने दूसरा टाइप का भी पढ़ा नहीं है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। एक क्रिया रूप बनता है, नाउन्स एंड वर्ब्स आर द मेन कैटेगरीज इन द लैंग्वेज, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि शब्द दो तरह के होते हैं,
क्रिया रूप और क्रिया शब्द और फिर शब्द जो नाम शब्द, ठीक है, नाम पद और क्रिया पद होते हैं, पद दो टाइप के होते हैं। तो ये जो उपसर्ग जुड़कर जो शब्द बनते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, क्रिया भी होते हैं, नाम पद भी होते हैं। उसी को मैंने शब्द रूपाणी क्रिया रूपाणी लिखा, नाम पद क्रिया पद सेम थिंग है यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, तो पूरे 22 उपसर्ग है और भाई धातु कितने हैं, 2000 धातु है ना, तो सारे 22 उपसर्ग सारे 2000 धातु से जुड़ते हैं क्या, ये प्रश्न होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको धातु पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था ना कि कितनी धातुएं होती है, क्या होता है, तो उसी टाइप का उन सब में ये जुड़ रहा है क्या, तो नहीं, सारे उपसर्ग सभी धातुओं से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। ये एक रूढ़ी है कि कुछ धातु उससे जुड़ गए, कुछ से कुछ नहीं जुड़ते हैं, तो किसी में बहुत कम जुड़े हुए दिखते हैं, किसी में बहुत अधिक जुड़े हुए दिखते हैं, तो हमको कुछ इसमें निश्चित रूप नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम बता सके कि भाई ये वाला धातु है तो इसको जुड़ेगा। इट्स ऑल मीनिंग है ना, ये भाषा है और कई हजार साल पुरानी भाषा है, कई कई वो नीलेश ओक जी तो कहते हैं कि ये 44,000 ईयर्स ओल्ड संस्कृति है अपनी। हाँ, आप बोलते हैं 5000 ईयर्स ओल्ड तो आप बड़े लेजी हैं, वो अपने एक वीडियो में बोलते हैं, ठीक है। तो उससे मुझे उनका वो रिसर्च बोलते हैं कि उनको रिसर्च करके ही जाना है कि इतना पीछे हम जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग बोलते काल का तो अंत नहीं होता, आदि भी नहीं होता, हम तो आदि अनंत वाले हैं, तो ये क्या 5000 और 20,000 से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। हम लोग तो प्रवाह मानते हैं, जीव का जो है, आत्मा का जो है हमेशा सदैव रहता है, ये मानकर चलने वाले हैं हम, तो क्या फर्क पड़ता है 20,000 वर्ष है या 40,000 वर्ष है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो शाश्वत आदि अनादि अप्रमेय और उस कंडीशन जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हम अपने आप को मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उस इससे अगर देखें तो इतने हजारों सालों से ये भाषा चली आ रही है, तो सोचिए इसमें कुछ रूढ़ियां बन गई होंगी, कुछ ऐसे प्रचलन में फैशन में चले गए होंगे, तो सोचिए कि इस प्रकार का कैसा होता होगा। हिंदी भाषा आप देखेंगे, आप कुछ 20 साल 30 साल पहले जाएंगे तो हिंदी भाषा कितनी अलग थी, आज की भाषा कितनी अलग है। इंग्लिश भाषा को ले लीजिए, 1-2 साल पुराने भाषा पुस्तकों को आप लाइब्रेरीज में जाके खोलेंगे, आप शेक्सपियर और कीट्स पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो संस्कृत में हमको वो प्रॉब्लम नहीं है, उतना ज्यादा मतलब इतना हजार उनसे इन भाषाओं से इतना हजार साल पुराना होकर भी संस्कृत पर उन भाषाओं का जो दोष है वो संस्कृत पर नहीं लगा, बस थोड़े थोड़े हैं जो हमें एक्सेप्ट करके चलने पड़ते हैं। विश्व की सारी भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में, संस्कृत की प्राचीनता के परिप्रेक्ष्य में हमें इस विषय को हमेशा तर्कित करना चाहिए, लेकिन कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए कि भाई ये क्या निश्चित है कि कुछ भी जोड़ दिया, कुछ भी मीनिंग बना लिया, ये क्या है भाई, हमको नहीं चाहिए, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक से अधिक उपसर्ग भी हम जो योजित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक धातु हुआ, हमने अभी बोला कि 22 उपसर्ग है, 20,000 धातु है, तो एक एक से हम जोड़ने लगे तो कितने पॉसिबल रूप बनेंगे आप देखिए, ठीक है। धातु तो एक होगा पर उपसर्ग अनेक हो सकते हैं, यानी 4 उपसर्ग भी धातु के आगे जुड़ सकते हैं। धातु एक होगा, जैसे वह धातु होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले सम जोड़ लिया, वी जोड़ लिया, आ जोड़ लिया, उपा जोड़ लिया, जो चाहे वो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक से आप एक जोड़ेंगे तो 44,000 शब्द यहाँ बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप जो ती तह अंति सी था था मी वह मह वो सब आप ध्यान में रखिए, तो क्रिया रूप बन रहे हैं, तो ये 44,000 × 9 अगेन, ठीक है, आपने जो सीखा उस ज्ञान में बोल रही हूँ, ठीक है। तो इतने सारे जैसे अप और हस हमने बनाया, तो अपहसति अपहसतः अपहसन्ति अपहससि अपहसतः अपहसतः, ठीक है। तो इस प्रकार उसके रूप बनते हैं, है ना, उसी वही अर्थ है ना उसका, पहले वाले स्लाइड में दिखाए थे अपहस विहस, ठीक है, निर्वह संवह, उन सबका वही अर्थ हुआ ना, धातु है उपसर्ग है, ठीक है। तो अभी आप सोचिए इतने रूप बन गए, फिर इसके शब्द रूप भी तो बनते हैं, उन्हें भी तो गिनना चाहिए। तो देखिए पॉसिबल फॉर्म्स का कैसे बढ़ता जा रहा है, अभी तक हमने सिर्फ वर्तमान काल पढ़ा है, अभी हमने भूतकाल भविष्यकाल तो पढ़ा ही नहीं, तो उसके भूतकाल भविष्यकाल भी तो बनते होंगे, तो × 9 × 9, ठीक है। तो ऐसा आप अगर गिनते हुए जाएंगे तो कितने जगह पर आप कितने सारे शब्द इससे बन सकते हैं, एक बार बस आप ऊहा करके देखिए, जस्ट ट्राई टू थिंक इमेजिन, ओके।
तो एकाधिक जब बनने का जो जो क्वालिटी आता है ये बहुत ही विशिष्ट क्वालिटी है। जैसे अवमानः, अव में एक जुड़ा, व्यवधानम, वी अवधानम, ठीक है, वी अव ही धातु है इसमें, एक्चुअली वो दूसरा गण का है। दुर्व्यवहार, दुर् वी अवहार, तो इसमें तीन जुड़े हैं। मैक्सिमम पांच उपसर्ग का एक शब्द मैंने देखा था पर वो मैंने नोट नहीं किया, हो सके तो मैं कोशिश करूंगी, अगर मिला तो दूंगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो मोस्ट हाईएस्ट पॉसिबल हमको पांच उपसर्ग का एक शब्द दिखता है, फोर और फाइव तो मैंने देखे हैं, ठीक है। महाभारत आप खोल के देखेंगे तो काफी उपसर्गों का प्रयोग वो लोग देखते हैं, पूर्व कवियों ने बहुत उपसर्ग प्रयोग किया है, ये मॉडर्न कवि है ना ये लोग ज्यादा नहीं करते हैं। वी हैव बिकम लिथार्जिक, ठीक है। तो अभ्यवहार, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द उपसर्गों के साथ पढ़ के ही बड़ा मजा आता है शब्दों को, ठीक है, क्रिया रूपों को या फिर शब्दों को जब हम पढ़ते हैं उपसर्ग के साथ इतना मजा आता है उसमें खोल खोल के देखने में, मुझे तो बड़ा मजा आता था, यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट, ठीक है, तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं उसको। तो बस इसकी व्यापकता देखिए, तो ये कोई निश्चित नहीं है, तो फोर इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, फोर उपसर्ग इज द मैक्सिमम नंबर और फाइव उपसर्ग इज द मैक्सिमम नंबर, जो भी है क्या फर्क पड़ता है, जब मैक्सिमम है तो है भाई, इतना जुड़ रहा है, ये भी बहुत बड़ी संख्या है, तो इंटू 2000, ठीक है, इंटू 2000, ये 22 में से ईच आर गेटिंग फोर, तो फिर आप ये तो मुझे मैथ्स आती, इससे ज्यादा मैथ्स मुझे नहीं आती है, आप ही करके देखिएगा आप में से अगर कोई मैथ्स है तो, ठीक है। तो इसी प्रकार अनेक उपसर्ग योजन करने से, एक से अधिक करने से अनेक अनंत रूप इसके बन सकते हैं और शब्द रूप बनते हैं। शब्द रूपों की विशिष्टता तो आप अभी नहीं जानते हैं, उनके भी बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं, उनके भी कई सारे रूप होते हैं एक शब्द के, तो वो सब हम आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर हम उस उपसर्ग के डिस्कशन पर जब आएंगे तब हमें पता चलेगा शब्दों के परिप्रेक्ष्य में कि आप ये शब्द राशि कितनी अनंत हो सकती है। तो संस्कृत कोई सामान्य भाषा नहीं है, साक्षात सरस्वती है, ब्रह्मा की पत्नी है सरस्वती, है ना, ब्रह्मा ऋषि है ना, सॉरी ब्रह्मा देव है ना, चतुर्मुख ब्रह्मा, ठीक है, जिन्होंने सृष्टि रची है उनकी पत्नी है सरस्वती। क्यों बोलते हैं उनको ब्रह्मा की पत्नी है, उनका पत्नी तो होने का कैसा अधिकार है, तो देखिए कितने अनंत शब्द वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वही शक्ति सरस्वती होती है, ठीक है। और एक बात है, टेक्निकली जब धातु और उपसर्ग जुड़ते हैं तो हम उसको एक नया धातु के रूप में स्वीकार करते हैं और शास्त्रीय रूप से वो नया नहीं होता है। इस बात को आप अच्छी तरह नोट करके रख लीजिए, आप सब लोग इस क्लास में एक नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो बड़ी मुझे खुशी होगी। ये आपको पीपीटीज तो मिल जाएंगे, कभी ना कभी मैं इसको परिष्कार, कुछ कुछ रह जाते हैं मिस्टेक्स, मैं परिष्करण करके आपको भेज दूंगी, वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अपना नोट्स बनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप सुनते सुनते लिखेंगे और थोड़ा उस पर बाद में आपको मनन करने का अवसर मिलेगा, यथाशक्ति आपकी आपकी इच्छा है, इसमें कोई ये नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो ये जो सोपसर्ग का यानी स उपसर्ग का धातु, ठीक है, जो उपसर्ग से जुड़ा हुआ धातु है, सोपसर्ग का धातु है, उसको शास्त्रीय रूप से अलग नहीं मानते हैं, वो धातु का ही अंतर्भाग मानते हैं, पर टेक्निकली यानी अभी जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके हिसाब से उसका उसमें अर्थ परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए हम उसको एक नए धातु के रूप में स्वीकार करते हैं टेक्निकली, इसीलिए बोले टेक्निकली मॉडर्नली, पर शास्त्रीय रूप से नहीं, नॉट ट्रेडिशनली, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम उपसर्गों के अर्थों को देखते हैं। तो क्या इन 22 उपसर्गों के कोई अर्थ है, क्या आप बोल रहे हैं टेक्निकली नया धातु बन रहा है उपसर्ग योजन से, इसका मतलब है सारे उपसर्गों के अर्थ होते होंगे, फिर आप बोल रहे हैं कि शास्त्रीय रूप से धातु का जो अर्थ होता है वही उपसर्ग का माना जाता है, तो फिर आप उसका अर्थ मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो मैं आपको आपके ज्ञान के लिए बता दूं, ये केवल ज्ञान का विषय है, केवल जानकर छोड़ दीजिए इसको, कि आप यदि इसका अर्थ है ऐसा मानकर चलेंगे तो भी गलत होंगे, आप इसका अर्थ नहीं है मानकर चलेंगे तो भी गलत होंगे, ठीक है। तो हमारा व्याकरण कहता है, व्याकरण शास्त्र जो त्रिमुनि व्याकरण है, ठीक है, पाणिनि, पतंजलि और अपने ये वररुचि, ठीक है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये तीनों ऋषियों का जो व्याकरण है वो तो इसको द्विविध मानता है, मतलब उस उपसर्ग का अर्थ है भी बोलता है नहीं भी बोलता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज के लिए, जो शास्त्रीय टेक्निकल इश्यूज होते हैं उसके लिए उपसर्ग का अर्थ मानते हैं, और कोई कोई संदर्भों के लिए जहां पर वो मानते हैं इसका नहीं, मतलब ये द्विविध व्यक्ति अभिव्यक्ति देता है, ठीक है, इसका इसकी अभिव्यक्ति यानी इसका प्रकटन जो है, जब प्रकटित होता है, जैसे भगवान अवतार लेते हैं,
ठीक है। हाँ, वही कृष्ण जब वो लीलाएं कर रहे थे तो वो एक गोपिका के गृह में माखन खा रहे थे, एक गोपिका के गृह में वो गाय को छुड़ा रहे थे, बछड़े के लिए छोड़ रहे थे, एक गोपिका के घर में बच्चे से वो खेल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने कई कई रूप, उन्होंने एक ही कृष्ण है, एक ही विष्णु है, राम कभी राम जी बने, कभी कृष्ण जी बने, कभी कुछ और अवतार उन्होंने लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो उपसर्ग होते हैं, कभी इनका अर्थ होता है मान सकते हैं, कभी इनका अर्थ नहीं होता है मान सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तो उसकी रिचनेस, उसकी वैरायटी और उसकी जो अस्थिरता में ब्यूटी है, जो चंचलता में भी एक ब्यूटी होती है ना, तो वही चंचलता उपसर्गों में हमको दिखती है। एकदम ये लोग है ना, बता रही हूँ ना, ये लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग है। यू कैन जस्ट टॉक टू देम, यू कैन जस्ट फील देम, यू कैन जस्ट एंजॉय देयर कंपनी लाइक एनीथिंग, ठीक है। ये लोगों जैसे ही है मेरे लिए, तो भाषा के जितने अंश है ये सब मेरे को बहुत ही जीवंत एलिमेंट्स दिखते हैं, ठीक है। उपसर्गों में जितना प्राण है, मैंने क्रिया में सबसे पहले मुझे प्राण दिखता है, और उपसर्गों को योजित करके जो क्रिया का सुंदर नाट्य दिखने को मिलता है ना, वो तो कहीं पर भी हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो मैं टेक्निकली, मैं भी एक व्याकरण हूँ, मैं भी एक व्याकरण शास्त्र से अपना संबंध रखती हूँ, तो इसलिए मतलब व्याकरण अधीते ही व्याकरण, जो व्याकरण पढ़ता होता है वो भी व्याकरण है, ठीक है। यह मत सोचिए कि कोई पंडित ही व्याकरण हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी व्याकरण है, क्योंकि व्याकरण के द्वारा आप भाषा को पढ़ रहे हैं, ओके। तो व्याकरण के जो इस दोगलापन, इसको आप दोगलापन नहीं कहेंगे, दिस इज द रिचनेस, इज द वैरायटी, इस वैरायटी के अंश को मैं भी फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको स्थूल रूप से इन अर्थों को बता रही हूँ। इस बात को पहले ही आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये स्थूल रूप से अर्थ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहना कि कहीं पर आपको प्र इनके अगले इनके इनको छोड़कर कुछ और अर्थ में दिखा, तो भगिनी आपने हमको तो बताया कि ये प्र इस अर्थ का होता है, लेकिन हमको तो वहां पर डिक्शनरी में कुछ और दिख रहा है। आप ऐसे प्रश्न हमसे नहीं करेंगे और स्वयं से भी नहीं करेंगे, आप इस दुविधा में कभी भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसके अर्थ इससे कई गुना व्यापक हो सकते हैं, पर हमने एक सुविधा के लिए एक स्थूल रूप से इनका अर्थ करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो प्र का अर्थ होता है आगे, महान, और जब भी प्र जुड़ता है तो प्रकृष्टार्थक बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर परा विरुद्धार्थ, विरुद्धार्थ का होता है, ठीक है। और परामर्श में विरुद्धार्थ नहीं है वो, ठीक है, परामर्श में विरुद्धार्थ नहीं है, पराभव में है, भव पराभव में, जैसे अपमान होता है ऐसा, उस प्रकार। फिर अपा, अपा को गलत बोलता, अपवाद, अपसरा दूर जाओ ऐसा, फिर अपसरा में दूर जाओ है, ठीक है, देखिए वहां पर बदल गया। सम में मिलकर चलना, संगच्छध्वम संवदध्वम, तो उसमें मिलकर करना, मिलाकर करना। फिर अनु, अनु का होता है अनुसरण करना, अनुच्चारण करना, मैं बोलती रहती हूँ ना, अनुच्चारण करना, तो उस तरह का ये। फिर अवा, नीच, नीच निचला, नीच नहीं, नीच नीचे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी गलत है, स्लाइड नंबर 25, ओके, नीचे। फिर निस्निर्मे, नहीं और गया हुआ, इस प्रकार हम इसके अर्थ में आपको लिख कर दे दूंगी, एक बार आप डिस्कस कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा स्वयं से कर, ठीक है। अपि का भी होता है, अभी का पास होता है, इस प्रकार स्थूल रूप से इसका कुछ अर्थ करने का प्रयास किया है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, एक धातु से हमने आपके एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, उपसर्गों के अभ्यास के लिए कि कैसा दिखता है ये, किसी उपसर्ग से, किसी धातु से कब उपसर्ग जुड़ता है तो उसके कितने तरह के उसके अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक धातु को हमने लेकर डिक्शनरी में खोजा, उसके पॉसिबल सारे उपसर्ग के रूप हमको मिल गए, हमने गम धातु को लिया क्योंकि हमें बहुत पसंद है, आपको हृदय धातु पसंद है तो आप हृदय धातु पे सर्च करके मार सकते हैं, कॉलोन वेबसाइट में जाकर शब्द कल्पद्रुम खोलकर उसमें एडवांस्ड सर्च में जाकर आप कोई भी जैसे धातु ले लीजिए और प्रीफिक्स सफिक्स उसको चूज कीजिए, ठीक है। मैं आपको वो भी प्रोसेस बताऊंगी कैसे करना है, कि आपको वेबसाइट्स का भी इसमें जानकारी मिलेगी, मैंने वादा किया है तो वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये अति, अधि, हाँ, अभी, ठीक है, हाँ। इससे पहले एक और अंश छूट जाएगा, बोली थी ना, देखिए भूल ही जा रही थी, अभी याद आया अचानक, देखिए जब एक, हाँ वो इधर ही बताना सही है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण पूर्वक बता सकती हूँ। जैसे कोई दो चीजें जुड़ रही हैं,
ठीक है, तो दो चीजें जुड़ रही हैं, इसको हम केवल स्थूल रूप से समझेंगे, इसका सूक्ष्म और बहुत ही अच्छी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे मौका मिले तो। उसको कहते हैं जब दो शब्द आसपास आते हैं तो एक प्लस लगाते हैं, जैसे हमने प्लस लगाया रामा प्लस आलया, ठीक है, तो रामा लेफ्ट साइड है प्लस के, आलया राइट साइड है ना, तो रामा प्लस आलया बन गया रामालया, प्लस हटा दिया तो क्या बना रामालया, उसमें दीर्घ आ गया है ना, यानी इन दोनों शब्दों में मा में जो प्लस के राइट साइड आ है वो लेफ्ट साइड वाले मा में आके जुड़ गया। मतलब हमको क्या समझ में आया कि इस रामा में एक विकार आया है और आलया में जो आ है वो मा में आके जुड़ गया है, यानी दो एलिमेंट्स का, दो वर्णों का संयोग हुआ है, उसको हम लोग टेक्निकली संधि कहते हैं, उसको शास्त्रीय रूप से भी उसको संधि कहते हैं पाणिनीय व्याकरण में, ठीक है, हर हर व्याकरण में उसको संधि ही कहते हैं कि ठीक है, जब टू लेटर्स आते हैं तो देर इज ए पॉसिबिलिटी, जब हमने कहा कि एक से अधिक उपसर्ग धातु में जुड़ सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक धातु उपसर्ग में जुड़ सकते हैं, जैसे अभी प्लस आ, यहीं पर आप देख रहे हैं कि अभी प्लस आ, 1, 2, 3, 4, 5, 5th वाला आप देखिए, ठीक, 6th वाला आप देखिए, अभी प्लस आ, तो यहाँ पर हुआ ई, ठीक है, अभी के अंत में, हाँ, प्लस के आप जब लेफ्ट साइड देखेंगे तो रामा में, रा में कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल मा में फर्क पड़ा, क्योंकि प्लस से बहुत ही पास है वो, ठीक है, प्लस के LHP, लेफ्ट साइड ऑफ द प्लस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लस में जो है वो रामा है, तो रा दीर्घ में कुछ नहीं पड़ा, मुंह में भी कुछ नहीं पड़ा, मुंह के अंदर जो आ है, रा मुंह प्लस का है ना, तो आ है ना, वो आ पर फर्क पड़ा, आ लया में, लया में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, आ में फर्क पड़ा, अ और आ मिला के आ हुआ, यही सवर्ण दीर्घ संधि है, इसको दीर्घ संधि भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर अभी प्लस के जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट जो अभी है उसमें अ और भ, इसमें इससे कोई हमको संबंध नहीं है, जो भ में ई है उस ई से हमको संबंध है सीधा सीधा, ठीक है, वो ई और ये प्लस के राइट साइड एक ही वर्ण है आ, ई और आ मिला के क्या बोलता है, क्या हो जाता है, वो यहाँ पर लिखा है अभ्या, ठीक है, अभी प्लस उद अभ्युद, अभी प्लस उपा अभ्युपा अभ्युपगम, ये शब्द तो सुना होगा आपने, ठीक है, जैसे हाँ ये एक संधि का अंश है, जब एक से अधिक उपसर्ग जुड़ रहे हैं या फिर धातु का जो अगला भाग है, धातु का प्रारंभ किसी अच से हो रहा है तो उसका एंडिंग लेटर, ठीक है, इसका जो एंडिंग लेटर है उपसर्ग का और धातु का जो फर्स्ट लेटर है, इन दोनों से फर्क पड़ता। अभी तो हमने गम धातु लिया तो गकार है, ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ और प्रति उद, हाँ उद और ये इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, इसमें कहीं पर भी निर्गम, ठीक है, तो इस प्रकार कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गम धातु का, कोई और अच, अच से आरंभ होने वाला आजादी धातु हम लेंगे, ठीक है, कोई आजादी धातु हम लेकर एक बार कभी कोशिश करेंगे देखने का। तो इस प्रकार मैंने सारे एक जगह रख लिए, इनके आप अर्थ देख लीजिए, ठीक है, अतिगम का क्या अर्थ है, अधिगम का क्या अर्थ है, अनुगम का क्या अर्थ है, अपगम का, आगम का, उद्गम का, इस प्रकार गम धातु केवल देखिए कितने सारे उसके एक उपसर्ग को जोड़ने पर भी रूप है, दो उपसर्गों के भी रूप हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग पहले जुड़ना है, कौन सा उपसर्ग बाद में जुड़ना है, क्या इसमें कोई रूल्स है क्या, अब मुझे वो नहीं पता, मैं एक्चुअली उस पर थोड़ा आई वॉन्टेड टू डू सम रिसर्च ऑन दैट बट आई कुड नॉट फाइंड टाइम एंड एनर्जी एंड सोर्सेज भी नहीं मिले मुझे, इसका कोई ऑर्डर निश्चित है क्या कि हमको पता चले भाई कि हम, हाँ ये किस संदर्भ में हमको जरूरत पड़ेगी, जब कोई नया शब्द बनाना हो, जैसे आरक्षण शब्द बना, मैं आपको बताई थी कि रक्ष धातु से आ उपसर्ग लगाकर हमने आरक्षण शब्द, ऐसे कई सारे शब्द और है, मैं कलेक्ट करना चाहती हूँ, आपको कुछ याद हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्हीं 22 उपसर्गों में से आपको अवेलेबल सारे आपको कोश में दिख जाएंगे, जैसे आपको गम धातु का कुछ बनाना है, जैसे कोई नया कोई यान बना है, तो नए कोई गाड़ी बनी है, आप उसका नाम रखना चाहते हैं, तो आप अपने घर में प्रारंभ कर सकते हैं अभी से, मतलब थोड़ा और जानिएगा, थोड़ा प्रत्यय वगैरह भी जान लेंगे तो आप अपने स्वयं से नाम लगा सकते हैं, जैसे ठीक है, जैसे शल्फ को धानी बोलते हैं, है ना, इस प्रकार से आप नए नए कुछ संधानी ऐसा कुछ भी बना सकते हैं, आप निधे या
इस प्रकार, ठीक है। तो समाधि गम समाधि गच्छति, ठीक है। ये भगवत गीता आप पढ़ेंगे, महाभारत आप पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे उपसर्ग युक्त प्रयोग मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए अभी यहाँ तक ये टॉपिक खत्म हो गया है, आज मैं एक और टॉपिक खत्म करना चाहती, इसलिए थोड़ा जल्दी से बोल रही हूँ। आप कृपया इस वीडियो को एक और बार आप देख लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग रख दी जाएगी आपके लिए यूट्यूब में। आप प्लीज कृपया ये न सोचिए कि जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली टॉपिक बहुत सारा ये करना रहता है, कवर करना रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी से लकार देख लेते हैं, एक्चुअली इनसे हमें कोई काम नहीं है। जितना काम हमें गणों से है, पूरा मैं गण के बारे में बताई थी, बस उसी प्रकार इसका भी एक बार बता देती हूँ ताकि आपको परिचय हो बस, ठीक है। इसमें केवल परिचय ही की आशंका है, न कि इस पर चर्चा करना। इनमें से भी जैसे गणों से हमने 1/4 16 10 थे पूरे, हमने उसमें से 1/4 16 लिए, इसमें भी 10 है, इसमें भी हम कुछ ही लकार लेकर हम पढ़ेंगे इस पाठ में। नेक्स्ट लेवल में जब जाएंगे तब बाकी लकार भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लकार जो होते हैं, लकार होते क्या है पहले इसको देखते हैं। ल ल एक साउंड है, कार जब कब बोलते हैं, किसी साउंड को बताने के लिए, किसी कंसोनेंट साउंड को बताने के लिए हम कार शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे ककार, गकार, मकार, इस प्रकार बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलने के लिए पाणिनि ने क्या किया, ये पाणिनि की सृष्टि है, ठीक है। पाणिनि महर्षि ने क्या किया, उन्होंने सारे जो भी काल है, काल काल जितने भी पॉसिबल काल है, तो 10 काल पॉसिबल है, 10 कालास यानी टेंसेस, ठीक है। 10 टेंसेस एंड 10 टेंसेस, सारे टेंसेस में टेंसेस एंड मूड्स भी है इसमें, ठीक है। तो टेंसेस एंड मूड्स दोनों को मिला के इन्होंने देखा, तो उनको 10 पॉसिबल वैरायटीज इसमें दिखे, ठीक है। तो इन्होंने इन सबका ल से नाम रखा, उन्होंने उनका नामकरण किया, जैसे हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, आप पाणिनि महर्षि के बच्चे तो यही भाषा अंश है, तो उन्होंने इसके नाम रखे, बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे इन्होंने, लट लिट लुट रुट ले सॉरी लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लुंग दशलकार है, ठीक है। इतने सारे उन्होंने रखे। और जो लिंग होता है वो लिंग दो तरह का होता है, विधि लिंग आशीर्लिंग, लिंग नहीं बोलना, लिंग लिंग, ठीक है, विधि लिंग आशीर्लिंग, यही बोलकर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ ट से अंत हो रहे हैं, कुछ म से अंत हो रहे हैं, चार म से अंत हो रहे हैं, छह ट से अंत हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रारंभ ल इति अस्ति, ठीक है। इन सब में छह में ट है, फिर उसमें इसको टित बोलते हैं और इनको गित बोलते हैं। तो उन सब में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बस इतना कि केवल याद रखने के लिए कि म से अंत होने वाले गिताह, ट से अंत होने वाले टीता, ठीक है, इतने लकार होते हैं। तो सबसे पहला लकार होता है लट लकार। तो अभी हम जो भी टीता अंत सीता था मी वह मह पढ़ रहे थे, या आमी आवह मह पढ़ रहे थे और कह रहे थे राम पढ़ रहा है, सीता खेल रही है, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीजें लट लकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्तमान काल होता है, रामः क्रीडति इसका उदाहरण है। फिर लिट लकार देखते हैं। लिट लकार में अनद्यतन परोक्ष भूतकाल, ये जो लिट लकार होता है वो एक्चुअली होता तो पास्ट टेंस है, ठीक है, वो होता तो पास्ट टेंस है, पर उसमें वो कैसा पास्ट टेंस है, ये केवल संस्कृत भाषा में ही पॉसिबल पास्ट टेंस है, ठीक है। हाँ, थोड़ी बाइबल में भी पॉसिबल है, थोड़ी कुरान में भी, उस टाइप के जो ग्रंथों में पॉसिबल टेंस है, क्योंकि वो घटनाएं जो बताई जा रही है वो हमारे काल में, हमारे जीवित काल में नहीं हो रही है। जैसे हम किसी परदादा जी के बारे में बात कर रहे होते, ठीक है, पर दादाजी हमारे थे, वो क्या पता है आपको, गांव में अकेले रात को वो कहीं भी जा सकते थे, इतनी हिम्मत वो लोग रखते थे, वो शेर से भी लड़ते थे, इस प्रकार हम जो थे बोल रहे हैं वो हिंदी में मैंने खाना खाया था, वो था और इस थे में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। मेरे पिताजी कहीं कल बाहर चले गए थे, तो ये थे और जो परदादाजी जंगल में अकेले शेर खेलने शिकार खेलने जाते थे, ये थे में कोई अंतर है क्या, लेकिन संस्कृत में है, ठीक है। संस्कृत में जब हम लोग परदादा जी के बारे में बात करना है तो हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। तो पुराण आदियों में ये लकार बहुत ही यूज होता है पुराण आदि में, और थोड़ा सिंपल भी रहता है, मुझे पसंद भी है, बड़ा सिंपल सा रहता है, ननामा जगामा, ठीक है, बभारा, हाँ उसने भार वहन किया बभारा, ठीक है, और ममारा, ठीक है, इस प्रकार के रहते हैं, वंद, ठीक है, उसने वंदन किया,
इस प्रकार डबलिंग होता है इसमें, ये सब हम बाद में जानेंगे। ये लिट लकार इज नॉट काउंटेड, लट लकार तो काउंट हो गया हमारा, पढ़ भी लिया हमने, लिट लकार वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी। देन लुट लकार, लुट लकार जो है ये अनद्यतन भविष्यत्काल है, ये भी हम पढ़ने वाले नहीं है, पर ये सिंपल ही है, इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसका अधिक यूज हमें दिखता नहीं है, इसलिए अधिक यूज नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ रहे। ऐसा नहीं है कि ये टफ है, गण गण जैसा नहीं है, धातु गण जैसा नहीं है, ठीक है। तो ये है अनद्यतन भविष्यत्काल, ठीक है। तो आज नहीं, कल से आरंभ करके कभी भी हो सकती है, जैसे मैं 2 दिन बाद काशी जा रही हूँ, ऐसा कुछ मुझे कहना है तो मैं लुट लकार का प्रयोग कर सकती हूँ, गंतास्मी, अहम परश्वः काशीम गंतास्मी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लुट लकार, ये भी लुट है, इसको लृट बोलते हैं, लृट नहीं है तो हाँ, यस नो नो, इट्स लृट, इट्स लृट, लृट लकार है, लृट लकार, ठीक है, लो लो, हाँ लृट है, लृट लकार। तो ये है आगामिनी समये कभी, ये सामान्य भविष्यत्काल है, ठीक है, सामान्य भविष्यत्काल है, जैसे विष्णु कलयुग अंत में अवतरित होंगे। अब ये पास्ट टेंस के लिए लिट लकार है जैसा, वैसा भविष्यत के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। संस्कृत में एक वर्तमान काल, 2 भविष्यत्काल और 3 भूतकाल होते हैं, ठीक है, पूरे 6 काल होते हैं, ठीक है, देयर आर 6 टेंसेस और 4 मूड्स होते हैं, वो भी देखेंगे। अब ये उस क्रम में नहीं है, उस क्रम को भी मैं आपको दूंगी, आई विल गिव यू, ठीक है। वो दूसरा क्रम एक है, वो मैंने इसमें रखा नहीं है, ठीक है, क्रम और संधि का विषय और एक वो उपसर्ग का क्रम, ये तीनों चीजें मैं कोशिश करूंगी जानने की। हाँ, नेक्स्ट लेट लकार, लेट लकार केवल वेद में होता है और विधिलिंग टाइप का ही होता है। विधिलिंग अगर आप जानते हैं विधिलिंग, तो उसी प्रकार का होता है और वो भगवत ईश्वर के लिए, ईश्वर का टेंस है वो, तो वो टेंस हमने लोक में गणना की ही नहीं, कभी सीखा भी नहीं, तो इसको तो छुएंगे भी नहीं, ठीक है। ये सामान्य भविष्य हम पढ़ेंगे, 4th वाला हम पढ़ेंगे, तो इसमें भी 1 हो गया, 4 हो गया, 4 पढ़ रहे हैं, फिर ये 6 पढ़ रहे हैं, लोट लकार है, ठीक है। लोट लकार होता है आज्ञार्थ, इधर आओ बैठो, आप बोलो, वो है यहाँ आए तो अच्छा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो लोट लकार होता है, ठीक है। रामा वनं गच्छा इति कैकेयी अवदत्, कैकेयी ने बोला राम बन जाओ, ठीक है, ऐसा। आपको संस्कृत अभी पूरी आती नहीं, तो इन उदाहरण को समझा के भी कोई फायदा नहीं है, बस मैं केवल उनका अनुवाद बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद होता है लंग लकार, हाँ ये लंग लकार भी हम पढ़ेंगे। लंग लकार होता है, ये हम लोग एक्चुअली, हमको सामान्य भूतकाल यूज करना चाहिए, ठीक है, हम सामान्य भूतकाल की जगह हम लोग लंग लकार यूज कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट शुड बी ए प्रॉब्लम, वैसे शास्त्र इसको सहमत नहीं देता है, पर वी कांट डू एनीथिंग, अभी हमको इसी की बहुत आदत भी हो गई है, एंड लुंग लकार थोड़ा टफ भी है, इसलिए जो सामान्य अर्थ में जो भूतकाल होता है उसको हम रूप नहीं बना पाते, पढ़ नहीं पाते, उसके कई सारे होते हैं, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए लंग लकार पढ़ रहे हैं, उसी को हम सामान्य भूत समझ कर पढ़ लेंगे, पर ध्यान रहे कि ये सामान्य भूत नहीं है, सामान्य भूतकाल यानी एनी टाइम का हम बोल सकते हैं, वो ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिंग लकार, लिंग लकार 2 टाइप का होता है, विधिलिंग। अब लिंग लकार बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा, जैसे लंग लकार बोलेंगे समझ में आएगा, लुट लकार बोलेंगे समझ में आएगा, पर लिंग लकार बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो विधिलिंग आशीर्लिंग 2 टाइप का होता है, ठीक है। आशीर्लिंग ज्यादा यूज नहीं होता, विधिलिंग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो 8 पढ़ेंगे हम, ठीक है, 7 और 8 भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सॉरी, आशीर्लिंग आशीर्वाद का अर्थ में तो शुभम भूयात, ये तो आपने बहुत सुना होगा, शुभम भूयात हर संस्कृतज्ञ बोलते हैं, शुभम भूयात एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, ठीक है, बोलते हैं। और विधिलिंग लकार में जैसे पठे इच्छे पुरुष श्रेय प्राप्तुम सुखानि च, उसमें आता है ना विष्णु सहस्रनाम में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें पठेत ऐसा करके आता है, ठीक है। यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति लिंगाष्टकमिदं पुण्यम, लिंगाष्टक अगर सुना हो तो लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यह पठेत, तो वैसा वाला, ये भी हम पढ़ने वाले, इसलिए मैं उस संदर्भ में आपको बता सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद लुंग लकार, जैसे मैंने बताया लुंग लकार ये बहुत ही सॉरी यहाँ पर कुछ तो गलती, भूयात है आशीर्लिंग, शुभम भूयात है ना, आभूता, सही सही, I thought I have written it wrong. हाँ, किम अभूत,
ठीक है ऐसा। हाँ एक काम हम लोग कर सकते हैं, लुंग लकार के जो हमारे ग्रामर बुक्स में, जैसे हमारे अनुवाद चंद्रिका हो या फिर यहाँ जहां पर हमको रूप लिखे हुए मिलेंगे ना, उन लिखे हुए रूपों मुख हम देखेंगे, देखकर जो हमें पसंद आए, जो हमको अच्छा लगा, हम उठा के प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। प्रयोग से ही तो भाषा परिपुष्ट बनती है ना। हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हम आपस में जब बात करेंगे, आपस में जब लिखेंगे, प्रयोग करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये भी प्रचलन में आ जाएगा, आपसे सुनकर कोई और बोलेगा, ठीक है, और इस प्रकार वो फैलेगी भाषा। ठीक है, हम भाषा को इसी तरह परिपुष्ट बनाते हैं, इसमें जितनी भी नकारात्मकता आ गई है, इसमें जितनी भी खड़ूसपन आ गया है, जैसे क्या बोले, इसका संकुच भाव आ गया है, और इसको हमने स्टिफ बना लिया है भाषा को, उसको ग्रो करने से रोक लिया है, वो सारी चीजों से हमें बाहर आना है, तो थोड़ा सा बुक खोल के थोड़े सा परिश्रम करेंगे और उनका प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे, तो प्रायः हम पूर्व वैभव तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बस ये खत्म हो लुंग लकार। फिर लृंग लकार है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लकार है। ठीक है, यदि ऐसा होता तो, ठीक है, वैसा वाला लकार है ये। ओके, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि तुम ठीक से पढ़ते, तुम एग्जाम पास हो गए होते, तो ये वाला जो काल है वो किसी काल का काल नहीं है, वो इट्स नॉट ए काल, वो इफ कंडीशन है ना, इफ कंडीशनल, तो वो इफ कंडीशनल वाला ये है। ठीक है, थोड़ा सा इफ कंडीशनल विधिलिंग में भी आता है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल वाला इफ कंडीशनल है, वो पॉसिबल वाला इफ कंडीशनल है। ठीक है, मतलब वो पास नहीं हुआ है, वो खेल खेल के उसने फेल कर लिया एग्जाम को, अब उससे बोल रहे हैं कि तुमने ठीक से पढ़ा होता तो पास हो गए होते। ठीक है, वो भटक गया है रास्ता, अगर तुमने वही रास्ता पूछ लिया होता तुम भटक नहीं जाते, मतलब वो अभी भटक गया है, मतलब वो पास्ट की घटना है, उस टाइम में करनी चाहिए थी, नहीं किया, तो दैट इफ कंडीशनल वी आर टॉकिंग। ठीक है, यदि त्वम अखादिश्य, ये त्वम है ना, इसलिए अखादिश्य होगा, तर ही क्षुधा न अभविष्यत। ठीक है, तब क्षुधा नहीं होती, अगर तुम वो खा लेते, उसको मैं सुधार दूंगी, एक्चुअली गलती है, यदि त्वम अखादिश्य तर ही क्षुधा न अभविष्यत, तुमको अगर तुमने तभी खा लिया होता तो तुम्हें अभी भूख नहीं लगती। ठीक है, तो इस प्रकार का लकार परिचय है। अंतिम टॉपिक है आज का, मैं 3 मिनट में बंद करने का प्रयास करूंगी, अस्थि धातु। ठीक है, यहाँ तक लकारों का परिचय पूरा खत्म हो गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल परिचय लेना है कि बस हाँ भाई इतने सारे होते हैं, दैट्स ऑल। उसमें से जो जो वो था वर्तमान काल का, तो आपने विस्तार से बता दिया, उसी प्रकार लंग लकार, विधिलिंग लकार, जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ इस कोर्स में, वो सबका संदर्भ जब आएगा तब आपको उन लकारों का ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जिज्ञासा है तो आप astadhyay.com खोल के उसके वहां पर देख सकते हैं, पर आई डोंट एनकरेज दैट एट दिस स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में आप उसमें नहीं पढ़ेंगे। ओके, देन अब लास्ट एंड फाइनल अस धातु, इसलिए बता रही हूँ ये द्वितीय गण का धातु है एक्चुअली। ठीक है, अस धातु, अस भूवि, इसका पाणिनियन फॉर्म है अस भूवि। ठीक है, अस भूवि, ये इसका अर्थ होता है रहना। ठीक है, होना, बस होना, रहना, to be, to exist, okay? तो मतलब exist करना, बस इतना है। ठीक है, तो ये होता है अदादि धातु, ये सेकंड गण का धातु है। मैंने आपको प्रॉमिस किया 1, 4, 6, 10, फिर आप द्वितीय गण बोल रही हैं कि डोंट टेक इट दैट वे, ये धातु बहुत यूज होने वाला है आगे हमको, इसलिए हमने बस इस धातु को लिया है सेकंड गण के, सारे धातुओं को हमने अभी के लिए डब्बे में रख दिया, बंद कर दिया कि आप भाई अभी हमको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, हमें बस एक धातु लेनी थी, हमने डब्बा खोला, अस धातु उठा लिया, फिर डब्बा बंद कर दिया, फिर उस डब्बे की ओर हमें नहीं देखना है, केवल अस धातु के रूप हम देखेंगे कि वो कैसे बने, किस तरह ये के हुए, वो हम सब नहीं सोचेंगे, अस धातु को दी किस प्रकार लगता है और कैसे उसके फॉर्म्स होते हैं ये टेबल में दिए हैं। मैं बुलाऊंगी ज्योति भगिनी को, आप एक बार आके पढ़ दीजिए भगिनी अस्थि, और इसके सारे 9 फॉर्म्स आप पढ़ दीजिए। अस्ति स्थः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्म, स्मः। ठीक है, तो ये असा भूवि बोलेंगे आप, अस भूवि नहीं बोलेंगे, असा भूवि, जब आप भूवि के साथ बोल रहे तो असा पूरा बोलेंगे। ठीक है, असा भूवि। ओके, हाँ बहुत अच्छे, अस्ति स्थः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस विद भवति भवतः भवन्ति, क्योंकि आप सीधा सीधा देख सकते हैं, एक्चुअली अस्ति अस्तः असन्ति, असि अस्तः अस्थ, अस्मि अस्वः अस्मः होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों है ये आप नहीं बोलेंगे,
क्योंकि आपको पता है हमने पहली ही कक्षा में बताया कि भाषा भट्टारिका पर हम प्रश्न नहीं करते। भाषा भट्टारिका जैसी भाषा हमको देती है, जैसे शब्द हमको देती है, हम उनको जानते हैं और यदि कोई पैटर्न है तो पैटर्न जानने का प्रयास करते हैं, नहीं तो उसको हम अधिक उस पर चर्चा और विवाद नहीं करते। ठीक है, इसी के साथ ये कक्षा समाप्त होती है। मैं एक बार आपको पूरा रिविजन बता देती हूँ और डाउट्स मैं अगले सप्ताह लूंगी, ठीक है, आज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उपसर्ग परिचय हमने किया। आज हमने देखा कि एक अंश है जो धातुओं से पहले आके जुड़ रहा है और उससे उसका अर्थ परिवर्तित हो रहा है और वो 22 उपसर्ग है पूरे, और हमने उसके लक्षण भी श्लोक के रूप में जाना, उसके उसके उन उपसर्गों को भी हमने श्लोक के रूप में जाना और एक पुस्तक के बारे में भी जाना जो बहुत ही सुंदर चारदेव शास्त्री जी ने लिखी है, और उनके लक्षणों को हमने देखा कि उपसर्ग और धातु मिलने पर अर्थ निश्चित नहीं होता है, कभी नया अर्थ निकलता है, कभी कोई कोई भेद नहीं दिखता है, कभी सिर्फ थोड़ा सा विशेष अर्थ उसमें जुड़ता है, ठीक है। और निष्पन्न रूप जब धातु और उपसर्ग जुड़ते हैं तो उसका क्रिया रूप भी बन सकता है, शब्द रूप भी बन सकता है, जैसे विवादः शब्द रूप हुआ विवदति, ठीक है, विवदति क्रिया रूप हुआ, ठीक है। सभी उपसर्ग सभी धातुओं से नहीं जुड़ते हैं और हमने पॉसिबल नंबर भी देखा कि एक धातु से कई उपसर्ग जुड़ सकते हैं पर कई उपसर्ग एक ही धातु से जुड़ते हैं, ठीक है, धातु एक ही होता है हमेशा, वो बात हमने जाना। फिर एक एक के एक एक से अधिक भी धातु इसमें जुड़ सकते हैं, उसके हमने उदाहरण भी देख लिए, इसके अनंत रूप कैसे बनते हैं ये भी हमने देखे, और उसको नया धातु हम लोग लेते हैं टेक्निकली पर शास्त्रीय रूप से उसका अर्थ नहीं होता है ऐसा मानते हैं, ठीक है, और अर्थ होता भी है तो बहुत ही स्थूल रूप से होता है, हमने उसको केवल पढ़ने का प्रयास किया क्योंकि हम बंधना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वी डोंट वांट टू गेट टाइड अप विद दोज मीनिंग्स, ठीक है। जहां पर भी अपि आया हमने कोशिश की कि वहां पर भी है कि नहीं ये देखें, कि जहां पर भी अति आया वहां पर पार करना है कि नहीं, इसमें हम बंध ना जाए, ठीक है। सु देखते हैं, हाँ प्रायः सु का हमेशा ही उसका अच्छा अर्थ का ही होता है, दुर का हमेशा दुष्ट अर्थ का ही होता है, ठीक है, पर उपा परी ये सब थोड़े बदले बदले से लगते हैं, मतलब इसके कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। नी भी बड़ा एकदम इसको गेस नहीं कर सकते कि इसका कौन सा अर्थ होगा, ठीक है। सम का प्रायः एक ही टाइप का अर्थ होता है, जहां तक देखा है वहां तक बता रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार सम्यक का अर्थ है, तो प्र का प्रकृष्ट अर्थ होता है, वी का विशेष विरोध विभाग, ठीक है, मतलब विश्लेषण ये भी होता है, और विरुद्ध अर्थ भी होता है वी का, ठीक है, इस प्रकार। और उपसर्गार्थों को हमने जाना किसका कोई अर्थ हो सकते नहीं हो सकते। फिर संधि भी हमने चर्चा की है, जब दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं तो प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दो स्वर आ गए हैं तो उनका किस प्रकार होगा। अगर धातु कोई जैसे अटति धातु है तो अभी प्लस अटति अभ्यटति होता, ठीक है, कोई भी अकार से या अजंत आजादी धातु कोई आता है तो उसमें भी संधि के नियम लगते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद हमने फिर लकार परिचय लिया कि 10 लकार होते हैं, उनमें से इसमें एक श्लोक भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और इसमें मैं योजित करके बाद में दूंगी, अभी के लिए केवल पढ़ती हूँ उसको। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा विद्या शिशोर लिंग लोटौ च लुट लुट लुंग च भविष्यति, ठीक है। तो ये श्लोक है, मैं आपको ग्रुप चैट में दूंगी और ये परिष्कार करके देने का प्रयास करूंगी, हुआ तो दूंगी नहीं तो अगले सप्ताह, ओके, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कक्षा समाप्त करती हूँ प्रार्थना के साथ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। क्षमा कीजिए, आज प्रश्न नहीं ले पा रही हूँ, 12:15 को पुनः कक्षा है, केवल रविवार को थोड़ा कठिन है, ठीक है। आप मुझे लिख सकते हैं अपने प्रश्न कुछ है तो, मैं प्रयास करूंगी, वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, ओके, धन्यवाद, धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद भगिनी।